हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है खैरुल चौधरी और आप देख रहे के एची टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज जो हम टॉपिक लाए और टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब लगभग सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन जो आपका फ्रॉड केसेस होते हैं, जो आपका हैकर होते हैं, वो कैसे आपका मोबाइल से आपका बैंकिंग से जो ऑनलाइन से आपको फ्रॉड कर सकते हो, तो इस सब फ्रॉड से कैसे बचे उसके लिए आपको कुछ टिप्स और कुछ कंपनी का नाम बताएंगे, तो किस किस तरीके से आप फ्रॉड से बच सकते हैं टोटल वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे हम ऑनलाइन जो आपका बैंकिंग से, जो कुछ लोग आपको फोन करके ये बोलेंगे सर हमने स्टेट बैंक से फोन किया है, आपका डेबिट कार्ड या आपका मोबाइल का जो यूपीआई पिन वगैरह ओटीपी वगैरह मांगता है, तो वो लोग आपको ऐसे फ्रॉड बैंकिंग जो फ्रॉड बैंकर ओके आपको बताएंगे जगह मैं बैंक से बोल रहा हूँ और तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो गए, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गए, तो उसके लिए आपसे क्या करेंगे वो लोग, आपको डेबिट कार्ड का जो नंबर है और आपका मोबाइल पे जो ओटीपी में आते हैं वो ओटीपी आपसे मांग लिया जाता है, तो उससे आप क्या होता है आपका यही होता है उसका आपका बैंक अकाउंट का जो सारा खाते का जो बैलेंस है वो आपसे क्लियरली गायब कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस से आप बचे और आपको दूसरा फ्रेंड लोग जो है उसको भी बचाए। तो अगर आपको किसी ने पूछे या मैं स्टेट बैंक है कोई भी बैंक से पूछे, जैसे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया केवाईसी करना है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन में कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को मत दे या कोई भी आपका जो पर्सनल डेटा है वो शेयर मत करे, क्योंकि बैंक से कोई अभी तक बैंक से कोई कॉल नहीं आती और आपका कोई अकाउंट ब्लॉक भी हो गया तो आप सिर्फ आपका जो नियर स्थित ब्रांच है, आपका जो होम ब्रांच है वहां पे जाके वो सब क्लियरली काम कर लीजिए। नेक्स्ट जो मैं बोलने वाला हूँ, नेक्स्ट होता है जो ऑनलाइन बिजनेस के, कुछ लोग आपको फोन करके ऐसे बताएंगे वो आपका डेटा कहीं से भी आपका डेटा लीक हो जाता है, तो डेटा लीक होने के बाद पता चलता है कि आपको ये सब चीज की जरूरत है, तो तभी आपको फोन करते हैं सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ऐसे करके बोलेंगे आपको सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ उस कंपनी से बोल रहा हूँ, तो आपके यहाँ पे जो मल्टी रिसार्ज या एटीएम वगैरह या बहुत एपीएस सर्विस जो बहुत कुछ सर्विस जो होता है आपको फ्री में प्रोवाइड करेगा और उसका कमीशन जो होता है वो दूसरे कंपनी से बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कमीशन ज्यादा देख के तो समझ जाते हैं ठीक है जो है ये बहुत ज्यादा कमीशन दे रहा है तो इसमें तो बहुत ज्यादा फायदा होगा हम लोगों को, तो यही कंपनी हम रजिस्टर कर लेते हैं। तो क्या होते हैं आपको पहले तो बोल देते हैं वो सब फ्री है, तो उसके बाद क्या होता है आपको बोलने देते सर आपको सिर्फ एड मनी करना है, आपको फर्स्ट टाइम के लिए एड मनी करना है या 1500 2000, ऐसे बहुत सारा फ्रॉड केसेस है जो आप कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में बताने के लिए, जो कौन सा कंपनी फ्रॉड है जो ऑनलाइन बिजनेस के नाम पे आपसे पैसा लूट लिया जाता है या आपसे हैक कर लिया जाता है आपके डेटाबेस, तो और नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला कोशिश करूंगा आप लोगों को जो कौन सा कंपनी आपका फ्रॉड करते हैं। तो तीसरा मैं जो बोलने वाला हूँ वो है आपका ओएलएक्स से, जे ओएलएक्स पे भी बहुत फ्रॉड होते हैं कि आपको कुछ ऐसे एड्स मिल जाएगा जो आपका आपका स्टेट का है ही नहीं, आपका जो एरिया है ओएलएक्स का भी एक रूल्स होता है कि आपका जो एरिया है वहाँ का आपका 10 किलोमीटर के अंदर ही आपका एड शो होगा, लेकिन क्या होते हैं लोग अगर आप किसी दूसरे स्टेट से है तो किसी अलग स्टेट से आपके वहाँ पे एड नहीं आते, तो क्या करते हैं आपका जो एड्रेस है वही एड्रेस डाल के वो लोग वही एड्रेस पे एड पोस्ट कर देते हैं और आपको जब एड बहुत कम दाम में बहुत अच्छा मोबाइल का एड आपको दिखाता है जो ओएलएक्स पे, जो मेरे हिसाब से तो ये ओएलएक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये सब फ्रॉड ओएलएक्स खुद रोक ले, क्योंकि ऐसा कुछ ओएलएक्स पे ऐसा केवाईसी होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो बहुत सारे केसेस में ऐसे फ्रॉड आ गए जो ओएलएक्स पे जो बहुत सारे लोगों को पैसा लूट लिया गया, तो ओएलएक्स पे क्या कैसे तरह किस तरह के फ्रॉड होते हैं तो वो हम बताने वाले हैं आपको। ओएलएक्स पे ऐसे फ्रॉड आपको होते हैं कि आपका बस कोई एक मोबाइल शो हो गया जो आप नया नया रिलीज हो गया, सिर्फ नया नया लॉन्च हो गया, उसके बाद ही वो मोबाइल 20,000 का मोबाइल आपको सिर्फ 8,000 में मिल रहा है, आपको नीचे क्या लिख दिया है अर्जेंट मनी प्रॉब्लम, ऐसे कुछ बहुत सारा जो आप लोगों को वगैरह वगैरह लिख देते हो लोग, तो बहुत सारा ऑप्शन होगा जो ऐसे आपको वहाँ पे लिख के आएगा, आप तो समझ लेते हैं हाँ भाई उसको तो पैसे का जरूरत है, हमको तो मोबाइल का जरूरत है, हम ये मोबाइल खरीद लेते हैं, तो उसको आप फोन करते हैं, फोन करने के बाद वो बोलते हैं सर जी हम यहाँ से बात कर लेते हैं तो हम अभी आपके एड्रेस पे जा नहीं सकते या हम आपको कुरियर कर देंगे, आप आपके एड्रेस दे दीजिए हम आपको कुरियर कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं कुरियर के बहाने में आपका जो एड्रेस है वो ले लेते हैं और
कुरियर के बहाने में वो लोग क्या करते हैं सर जी, कुरियर का जो चार्ज लगते हैं वो आपको सिर्फ पे करना है, और जब माल जो आपका पार्सल है वो डिलीवर होने के बाद आपको पूरा का पूरा पेमेंट करना है। तो ऐसे करके जब आपको कुरियर के पैसा ले लेंगे वो लोग, तो आपको क्या होना है, आपको अगर कोई 10,000 का एक आप मोबाइल आप किसी ऑर्डर ले लेते हैं उससे, तो आपको बोल देंगे सर जी इसका तो सिर्फ 500 रुपीस या 1,000 रुपीस कुरियर का चार्ज लगेगा, तो वो पहले आप भर दीजिए, मैं आपको रिसीव भेज दे दूंगा। वो लोग ऐसे करके फ्रॉड करते हैं, तो आप यकीन मान जाएगा सर, ये तो बंदा सच ही बोल रहे हैं। उसका आईडी कार्ड, इसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी उसका डिटेल दे देगा, सर जी देखिए मैं रियल बोल रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में आप फ्रॉड मत बनिए। आप जब पुलिस से कोई भी चीज बेचते हैं या सामान खरीदते हैं तो हैंड टू हैंड काम कर लीजिए, या जो भी आपको बात करना है सिर्फ ओएलएक्स से पे बात कर लीजिए। तो चौथा जो होता है वो हमने लाया है आपका गूगल पे, फोन पे या आपके यूपीआई से। गूगल पे, फोन पे या यूपीआई से क्या होते है, कुछ लोग बोलते थे सर जी आपको हमको पैसा भेजना है, सर जी कुछ लोग हमको पैसा दे देना, आपके अकाउंट पे पैसा चला गया, आपके अकाउंट पे पैसा चला गया, तो आप एक काम कीजिए, आप गूगल पे या फोन पे जाइए, वहाँ पे देखिए पे का ऑप्शन है, वो पे पे आप क्लिक कर दीजिए और आपका पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ लोगों को पता नहीं, सिर्फ गूगल पे फोन पे रख लेते हैं मोबाइल से, एड में दिखा देते हैं, यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ से वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उन लोगों को समझ में नहीं आते होंगे क्या ये पे या रिसीव क्या है, कैंसिल क्या है, पे क्या है। तो उन लोगों को क्या करते हैं, आपका मोबाइल नंबर सर्च करने के बाद आपको मनी रिक्वेस्ट भेज देते हैं। कुछ लोग तो ऐसा कर देते हैं कि पहले आपको 500 रुपये दे देते हैं, बोल देते हैं सर जी आपको किसी ने पैसा भेजने के लिए बोला हमको आपके अकाउंट नंबर पे, तो वहाँ वो लोग क्या करेंगे आपके वहाँ से वो पैसा वो लोग ले लेंगे, आपसे बोला वो लोग पैसा दे देने के लिए। तो ऐसा करके आपको आपका जो मोबाइल नंबर है उससे आप वो रिक्वेस्ट भेज लेते हैं पैसे का। तो पैसे का रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपके वहाँ पे क्या आते हैं, आपको फास्ट में तो क्या करते हैं आपको पैसा सेंड कर देते हैं। 500 सेंड करने के बाद आपको बैंक में तो मैसेज आ गए तो 500 है। नेक्स्ट में क्या करते हैं वो लोग ज्यादा बड़ा अमाउंट दे देते हैं, जैसे फास्ट में 500 दे दिया, बाद में वो लोग 10,000 का रिक्वेस्ट भेज देते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं आपको, सर जी ये तो 10,000 है, ज्यादा बड़ा अमाउंट है, तो इसके लिए आपको वेरिफिकेशन करने के लिए वेरिफिकेशन जरूरी है, तो एक काम कीजिए इसके बाद ये जो अमाउंट है ये रिसीव करने के लिए आपके पास आते हैं। पांचवा नंबर पे ये है ऑनलाइन शॉपिंग। गैर सी बात है, इंडिया में 70% से ज़्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन है तो 4G है और इंटरनेट है, तो ऑनलाइन शॉपिंग भी करते होंगे आप लोग। तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत सारा फ्रॉड और हैकिंग होते हैं, तो इससे कैसे बसे। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट लेना है, कोई भी प्रोडक्ट आप गूगल पे सर्च करते हैं ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, तो वो लोग वो प्रोडक्ट अमेजोन फ्लिपकार्ट या जैसे कि जो ब्रांड है जो इंडिया में नया नया पॉपुलर ब्रांड है उस ब्रांड में नहीं मिल जाते, तो दूसरे क्या होते हैं दूसरे एक वेबसाइट पे मिल जाते हैं। तो वो वेबसाइट पे वो आपको वो चीज़ आपको लेना है, आपको लेना ही है वो चीज़, और चीज़ आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन या मिंत्रा पे कुछ कहीं भी नहीं मिल रहा है स्नैपडील, तो वो चीज़ आपको लेना है वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन है आपके, वो शायद हमारे यहाँ के कंपनी हो चाइनीज क्या हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो चीज़ लेना है तो वहाँ पे आप बाय नाउ कर सकते हैं। लेकिन क्या होते हैं कुछ कुछ कंपनियाँ हैं जो सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं रखता, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन ही रखते हैं। तो आप जब भी कोई आप किसी चीज़ का ज़रूरत हो आप, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसे ब्रांड से ले लें जैसे कि बहुत पॉपुलर है, जैसे कि इंडिया में फ्लिपकार्ट और अमेजोन बहुत ही पॉपुलर है, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस पे, जो आप कैश ऑन डिलीवरी या आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो कोई भी फ्रॉड यहाँ से कम फ्रॉड होता है, यहाँ पे होता ही नहीं है आप बोल सकते हैं। तो दूसरे आपको वही चीज लेना ही है, अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे नहीं मिल रहे तो आपको तो लेना है, आपको तो वो चीज आपको जरूरी है, तो वो चीज आप दूसरे कोई भी कंपनी कोई भी शॉपिंग जो वेबसाइट है तो वहां से लेते हैं, तो आप ऑनलाइन पेमेंट मत करें, आप कैश ऑन डिलीवरी के करें। और कैश ऑन डिलीवरी करने के बाद भी आपको पार्सल मिल गया, पार्सल मिलने के बाद भी आप जो वो पार्सल आप खोलेंगे तो प्लीज आप अनबॉक्सिंग करते हैं आपका मोबाइल से रिकॉर्ड करके वो पार्सल खोलिए, क्योंकि हो सकते हैं उसमें भी फ्रॉड है, तो आपको प्रूफ के तौर पर आप क्या दिखाएंगे। वो लोग तो बोल देंगे हाँ भाई हम लोगों ने तो अच्छा चीज दे दिया आपको, जो ऑर्डर किया वही दे दिया। तो क्या करें, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी भी लेते हैं, पार्सल रिसीव भी कर लेते हैं, तो आप रिकॉर्ड करके वो पार्सल अनबॉक्सिंग करें, ताकि आप ऐसे तरह तरह के फ्रॉड केसेस से आप बच सकते हैं। तो फ्रॉड केसेस तो ऑनलाइन में बहुत सारा होते हैं,
हैकिंग तो बहुत सारा होते हैं, तो मैंने तो सिर्फ कुछ कुछ जो बता दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड ऐसे कैसे होते हैं आजकल, तो उस लोगों को और काम काम धंधा तो है ही नहीं, सिर्फ यही देख ले रहते हैं किसको लूट लिया जाते हैं, किसको लूट सकते हैं। तो ऐसे कैसे मैं रिकमेंड तो आप बस लीजिए कि कोई भी काम करने से पहले 2-3 बार सोच लीजिए एक बार, तो उसको वेरीफाई कर लीजिए एक बार। हाँ, तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ लाल बटन को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके काला करके दीजिए इसको। अगर मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा कुछ आपको फ़ायदा हुआ तो मेरे वीडियो शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ।